इस चैनल को देखने का शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं उर्दू टीवी 22। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम तमाम पाकिस्तानियों से ये अर्ज़ करेंगे कि हम सबको दुआ करनी चाहिए इमरान खान साहब के लिए। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह ताला उनको जितने भी दुश्मन हैं उनसे महफूज रखे, क्योंकि दज्जाली ताकतें ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको नुकसान पहुँचाया जाए। क्योंकि वज़ीर आज़म जो हैं इमरान खान साहब, उन्होंने अपना जो है फ़र्ज़ अदा किया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक आला मकाम अता करने के लिए, लेकिन दज्जाली ताकतों ने कोशिश की कि उनके लिए मुश्किलात पैदा करें। लिहाजा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है तमाम असम्बलियाँ जो हैं ख़त्म कर दी और उनकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी हुई है। लेकिन हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि वो दोबारा से इस प्यारे मुल्क के लीडर बने, सदर पाकिस्तान बने, सदारती निज़ाम लेके आए। लिहाजा दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, क्योंकि इस वक्त जितनी भी दज्जाली ताकतें हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से इनको नुकसान पहुंचाया जाए, इनकी जान को। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला अल्लाह ताला की ज़ात, वो सबसे अफजल है। और अल्लाह ताला जो है इनकी हिफाजत फरमाएंगे और दोबारा से पाकिस्तान को ये लीड करेंगे, उम्मते मुस्लिमा को लीड करेंगे इंशाल्लाह। और हम तमाम पाकिस्तानी इमरान खान साहब के लिए हाजिर हैं और हमारे जो हैं तमाम वोट वो इनके लिए हैं इंशाल्लाह। क्योंकि इस वक्त तमाम जो हैं उनके दुश्मन वो ये चाह रहे हैं इनके लिए मुश्किलात पैदा करना, लेकिन इंशाल्लाह वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे ऐसे दुश्मन। और इमरान खान साहब दोबारा से सुरखरू होंगे और दोबारा से हमारे लीडर बनेंगे इस प्यारे मुल्क के, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि हम आज़ाद कौम हैं, हम भिखारी नहीं हैं। तो ये हमारा एक आज का ख़ास पैगाम आपके लिए। दुआ कीजिए इमरान खान साहब के लिए, अल्लाह ताला उन पर अपना करम फरमाए। इंतज़ार कीजिएगा नई वीडियो का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उर्दू TV 22 को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और सबको बताइएगा। शुक्रिया।